महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही जिस तरह का रुख संजय राउत का बीजेपी को लेकर हुआ था, उससे हर कोई हैरान था। पानी पी पी कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कोसते थे संजय राउत, जो कि खुद को सबसे बड़ा शिव सैनिक बताते थे, बाला साहेब के पद चिन्हों पर चलने वाला भक्त खुद को बताते थे, लेकिन जब कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया तो अपनी विचारधारा से भी ऐसा समझौता किया कि हर कोई महाविकास आघाड़ी सरकार को टेढ़ी नजर से देखने लगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी संजय राउत ने, बीजेपी पर खूब छींटाकशी की थी, जबकि अपनी कमीज साफ नहीं थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सलाखों के पीछे है शिवसेना के संजय राउत, आज भी उनको राहत नहीं मिल सकी है। वो मुंबई की पथराज चौल घोटाले के मामले में जेल में बंद है। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। हालांकि राउत की जमानत याचिका पर भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला 9 नवंबर को सुनाया जाएगा। तब तक फिर एक बार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउत को जेल में ही रहना होगा। संजय राउत को 1034 करोड़ रुपए के पथराज चौल भूमि घोटाले में 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद 1 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक राउत ने धोखाधड़ी करने में आरोपी की मदद की थी और बदले में 1.6 करोड़ रुपए पत्नी वर्षा राउत को अलग अलग तरीकों से डाइवर्ट भी किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने संजय राउत को गोरेगांव में पथराज चौल के पुनर्विकास और उनकी पत्नी और कथित सहयोगियों से संबंधित वित्तीय संपत्ति लेन देन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। फिलहाल संजय राउत को तो अपनी जमानत का इंतजार है, जिसे 21 अक्टूबर को भी स्थगित कर दिया गया था। उस समय भी राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। ईडी ने मामलों का एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें संजय राउत को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें राउत का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी के रूप में लिया गया। इस मामले में ही राउत ने जमानत के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत का रुख किया था। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिवसेना सांसद के सहयोगी प्रवीण राउत समेत मामले के सभी आरोपियों को समन जारी किया था। उनके वकील ने कहा था कि वो आरोप पत्र को पढ़ना चाहते हैं और अपनी याचिका में अतिरिक्त आधार जोड़ने का फैसला करना चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में पथराज चौल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितता के संबंध में राउत को गिरफ्तार कर लिया था। अब राउत की रिमांड और जमानत दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। देखते हैं कि आखिर अपनी आई से वापस आने के बाद को संजय राउत कब तक पूरा कर पाते हैं। 9 नवंबर को जो फैसला आना है उसमें राउत बच भी पाते हैं या नहीं। दरअसल राउत की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने अदालत को बताया है कि उन्होंने पथराज चौल पुनर्विकास के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रमुख भूमिका निभाई थी, उन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया था। ईडी ने राउत की उस दलील का भी खंडन किया था, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई किसी द्वेष या राजनीतिक प्रतिशोध के चलते किए जाने की बात लिखी थी। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर कब तक जेल से बाहर आ पाएंगे संजय राउत? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।